हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्रीपोजिशन की एमसीक्यू एक्सरसाइज सेकंड दूसरी एक्सरसाइज है, इसे लेकर आया हूँ। अगर आपने पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और बढ़ते हैं बिना समय गवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ। यह है हमारा आज का पहला प्रश्न। वी सॉ द लाइव क्रिकेट ब्लैंक द टीवी। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ एंड ऑप्शन डी एट। आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। वी सॉ द लाइव क्रिकेट ऑन द टीवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वी पे द बिल्स ब्लैंक कैश। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी ऑफ एंड ऑप्शन डी एट। सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वी पे द बिल्स इन कैश। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द गर्ल गोज टू हर स्कूल ब्लैंक बाइसाइकल। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी विद एंड लास्ट ऑप्शन डी एट। सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाई। द गर्ल गोज टू हर स्कूल बाई बाइसाइकल। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर हैज बीन इल ब्लैंक लास्ट मंथ। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए सिंस, इन, फॉर एंड लास्ट ऑप्शन इज एट। आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंस लास्ट मंथ। मींस मदर हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द ही डग द पिट ब्लैंक ए सॉवल। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ एंड ऑप्शन डी बाय। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मींस ही डग द पिट विद अ सॉवल, उसने शॉवल से गड्ढा खोदा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। द हाउस इज ब्लैंक फायर। हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन बी बेद, ऑप्शन सी ऑन एंड लास्ट ऑप्शन विद इन। सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द हाउस इज ऑन फायर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एप्पल्स आर सोल्ड ब्लैंक 100 रुपीज अ किलो। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी एट एंड ऑप्शन डी ऑन। सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज सी, द एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपीज अ किलो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोज वर्क ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शंस आर इन, बाई, ऑन एंड एट। रेडियो वर्क्स ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रेडियो वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कम एंड सिट ब्लैंक मी। सो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है एट, बी बिसाइड, सी बिसाइड एंड डी ऑन।
बी और सी की स्पेलिंग में देख लेंगे, एक बिसाइड्स है और एक बिसाइड है. नाउ यू कैन गेस व्हाट इज द डिफरेंस. सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज बिसाइड, BESID ओनली. कम एंड सिट बिसाइड मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इज ब्लैंक द थेम्स. थेम्स नदी का नाम है. करेक्ट ऑप्शंस हम चूज करेंगे. सो फर्स्ट वी सी द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए है इन, ऑप्शन बी अलोंग, ऑप्शन सी एट एंड ऑप्शन डी ऑन. सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस वी कैन चूज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन सी. लंदन इज एट द थेम्स. लंदन थेम्स नदी के किनारे है. आपका जीके भी यहां पर थोड़ा सा कंप्लीट होता चलेगा. बाकी जीके के लिए आप हैशटैग बिनेगौर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. आई सॉ अ गर्ल ब्लैंक गोल्डन हेयर. सो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी विद एंड ऑप्शन डी बाय. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इन. आई सॉ ए गर्ल इन गोल्डन हेयर. सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग इज मेड ब्लैंक गोल्ड. सो मूव ऑन ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑफ, विद एंड एबव. सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टीचर ऑल एग्रीड ब्लैंक द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. करेक्ट पहले ऑप्शंस देखते हैं. द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विद एंड ऑप्शन डी एबव. सो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ओल्ड मैन डाइड ब्लैंक ओवर ईटिंग. सो फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद एंड लास्ट ऑप्शन डी दैट इज बाय. सो द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर ईटिंग. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी एग्रीड ब्लैंक मी ऑन दिस पॉइंट. ऑप्शंस आर ऑन, विद, टू, एबव. सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरी एग्रीड विद मी ऑन दिस पॉइंट. ऑप्शन नंबर बी. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दे रिमाइंडेड मी ब्लैंक द मीटिंग. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन एंड ऑप्शन डी एट. सो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर वन इज ऑप्शन नंबर ए, दे रिमाइंडेड मी ऑफ द मीटिंग. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस ब्लैंक द मून. सो फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ एंड लास्ट ऑप्शन डी इज एट. सो करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ फोर ऑप्शन इज विद. द पोइट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस विद द मून. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू आर एलिजिबल ब्लैंक द पोस्ट. फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इन, बी ऑफ, सी फॉर
and D on. So out of the four options, correct option is 4. You are eligible for the post. Option C. Next question hai. I was shocked blank her behavior. So four options are in, for, at and on. So out of the four options, the correct option is C, at. I was shocked blank her behavior. So right answer will be I was shocked at her behavior. Move on next question, and it is the last question of this series. I am not short blank funds. Options are in, for, off and on. So the correct answer is option C, off. I am not short of funds. Option C. So Binegor, thanks you for watching this video. Agar aapko video acha laga hai to ise like kare aur apne friends ke saath bhi share kare. Aur haan, agar aap first time mere channel par hain to ise subscribe kar le, kyunki main grammar se related aapke liye lagatar aise videos lata rehta hu. Abhi preposition ki series hai, to ye aaj ki second series thi. Iske aage bhi abhi next series, अभी 6th सीरीज आनी बाकी है. सो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.